नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलने वाली है कि आप नॉर्मल जो घर बनाते हैं या फिर घर बनाने की आपकी इच्छा होगी, वर्तमान में आपकी क्या रेट चल रही है। यदि आप सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका कितना कॉस्ट लगने वाला है, डबल स्टोरी बिल्डिंग लगाने वाले हैं तो कितना कॉस्ट लगने वाला है। आपको तीन रेट बताऊंगा, तीन में क्या एजम्पशंस हैं, कैसे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। और नॉर्मल आप इंडिया में कहीं भी बनाइए तो आपका लगभग इतना खर्चा मिनिमम होना ही होना है। अब आपको कैसे बताऊंगा कि कहां कहां क्या आप कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, कहां क्या कम कर सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यदि देखा जाए दोस्तों, तो होता क्या है कि अभी तक जितने भी रेट चलते हैं लगभग स्क्वायर फुट के चलते हैं। अब कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, ये आपका स्क्वायर फिट पे चलेगा। स्क्वायर फिट कैसे निकालना है या फिर कौन सा स्क्वायर फिट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 40 फुट बाई 25 फुट की ज़मीन थी। अब क्या होता है कि नॉर्मली एक या डेढ़ फुट छोड़ के वो अपना प्लॉटिंग करके फिर बनाते हैं कि ताकि हवादार रहे। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि जो आपको स्क्वायर फुट पकड़ना है वो टोटल लेंथ पे ही पकड़ना है। अब कहेंगे ये क्यों, तो ये टोटल प्लिंथ एरिया होता है दोस्त। अब ये क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि इसमें भी आपकी फाउंडेशन होगी, फिर एक्सवेशन होगा, दीवार होगा, फिर यहाँ तक आपकी फ्लोर लाई जाएगी, इसलिए ये सारी वैल्यू पकड़ ली जाती है। अब बात आती है कॉस्ट कितनी आएगी, तो कॉस्ट नॉर्मली देखिए 1300 से 2500 रुपये स्क्वायर फुट है। अब यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये 40 है, ये 25 है, दोनों को आप गुणा करेंगे तो 1000 स्क्वायर फिट आपका आएगा। अब नॉर्मल 1000 स्क्वायर फुट में आपका क्या कॉस्ट आने वाला है, मैं इसी के हिसाब से बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फुट का यदि आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आएगी, क्या क्या रेंज होंगे और कैसे कैसे किया जाएगा। अब आपने यहाँ पे एरिया निकाल लिया, एरिया निकालने के बाद मिनिमम रेट देखिए 1300 हमने कंसीडर किया है, जो कि 1300000 रुपए आ रहा है। मीन्स 1000 स्क्वायर फुट में यदि सिंगल स्टोरी की आप बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब डबल स्टोरी नहीं बनाना, केवल सिंगल स्टोरी, तो 1300000 रुपए लगने तय हैं। और प्लस 10% इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़ के चलिएगा कि रिसेशन हो गया या फिर बाय चांस लीजिए महंगी हो गई कुछ चीज़ें, तो उनके लिए 10% केवल कंसीडर करके चलना है। तो नॉर्मली आपका 1000 स्क्वायर फुट में लगभग 1430 के लगभग आपका लग जाएगा, मतलब 1430000 में आपको बढ़िया घर तैयार हो जाएगा। अब कहेंगे रेंज मैंने 1300 से 2500 क्यों लिया, तो 1300 सबसे मिनिमम लिया है दोस्तों। अब घर में जब आप जितना पैसा लगाना चाहेंगे उतना आप लगा सकते हैं, मीन्स आप मार्बल लगा लें, ये 1300 तो मिनिमम एक है कि टाइल्स लगा के आपको होगा, लेकिन 2500 यदि आप कंसिडर करेंगे तो आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आएगी, मार्बल लग सकता है और भी सारे आइटम्स लग सकते हैं। और ये जो रेट है दोस्तों 1300, ये आपका वेल फिनिश है, मींस विद इलेक्ट्रिकल, दरवाजे, प्लम्बिंग, सारा फिनिशिंग लेते हुए। अब एरिया जैसे कभी कभी केसेस क्या आते हैं कि इस टाइप का होता है, इस टाइप का यदि आप कहीं अंदर निकला है कहीं बाहर निकला है, तो यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 10 फुट बाई 10 फुट का बाहर निकला हुआ एरिया, तो इसको आप 1 कंसीडर कर लें और ये जो है इसको पार्ट 2 देख लें। तो 2 का साइज था 30x30 और 1 का था 10x10, तो यहाँ देख लीजिए एरिया 1 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10x10 प्लस 30x30 जो 2 का था। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1000 स्क्वायर फिट आने वाला है। अब कहेंगे दोनों का एरिया सेम है, मैंने जस्ट ये एरिया निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि कैसे आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। जितना बाहर निकल रहा है उसको आप एक अलग कंसीडर करेंगे और जो अंदर है उसको 2। अब यहाँ पे 1000 स्क्वायर फिट आया, फिर 1300 से 2500, फिर 1300 का मल्टीप्लाई आपने किया, 1300000 रुपये आए, प्लस 10% फिर आपको एक्स्ट्रा कंसीडर करना है। ये तो चलिए कभी कभी स्क्वायर टाइप की हो गई, ये ऑफसेट टाइप का हो गया, कभी कभी इस टाइप का आपके पास आता है कि बिल्कुल रेक्टेंगल आता है 50x20 का, तो इसमें एरिया से कोई कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है उतनी लगनी ही लगनी है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 50x20 करेंगे, 1000 स्क्वायर फिट आएगा, 1300 का मिनिमम रेट पकड़ा, 1300000 रुपए आए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए, प्लस 10% इसमें एक्स्ट्रा पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि कभी
कॉस्ट आपकी मटेरियल की हाई रहती है, कभी कम रहता है, या मटेरियल हो सकते ना मिले, या अर्जेंट बेसिस में मिलेंगे तो थोड़ा सा महंगा होगा। अब कहेंगे इसमें 1300 और 2500 का रेट क्या है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1300 हमने मिनिमम कंसिडर किया है और 2500 मैक्सिमम है ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये विदाउट लैंड है, बिना ज़मीन खरीद के। अब बात आती है कि सिंगल स्टोरी का तो बता दिया, डबल स्टोरी यदि बिल्डिंग हो तो उसका कितना कॉस्ट आने वाला है। अब डबल स्टोरी बिल्डिंग है यदि आप इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मेन मेन सिटी को छोड़ के, जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, NCR, इन सारी जगहों को यदि आप छोड़ दें तो नॉर्मल बाकी सारी जगहों का लगभग 1800 से 2500 स्क्वायर फुट रुपए आपके लगने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि दरवाज़ा, प्लम्बिंग, सैनिटरी, बाकी सारा कुछ सेटअप, मीन्स दरवाजे में लॉक भी लगा के आपको इतने में खर्चा पड़ेगा। अब यहाँ देख लीजिए एरिया कितना है, एरिया मैंने सेम कंसीडर किया है। अब कहेंगे एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जितनी ज़मीन होती है उतना तो आप बनाते नहीं हैं, थोड़ा सा छोड़ के बनाते हैं, को जो बाहर बाहर का साइड है वही आपको कंसीडर करना है या फिर मानना है। अब रही बात कि आप कहेंगे ये 1800 रुपये में क्या क्या है, 1800 रुपये में आपका नॉर्मल, देखिए आर्किटेक्ट को भी जो आप पैसा देते हैं उसमें 20 से 30 के दे देते हैं। अब यहाँ लंबाई देखिए 1800 रुपये रेट पकड़ा गया है, 1300 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है दोस्तों, 500 रुपये बढ़ा है। अब 1000 स्क्वायर फिट का आप डबल स्टोरी बनाने जाएंगे तो 18 लाख रुपये लगने वाले हैं, प्लस इसमें 10% आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा, ये अदर कॉस्टेस हैं कि जैसे आपका मान लीजिए मटेरियल कभी महंगा हो जाएगा या फिर कभी इमरजेंसी पर्पस में कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि आप बाहर से लेके आएंगे। अब सेम बात आती है कि यदि आपका एरिया इस टाइप का हो, पहले वाले में 10x10 था, इसमें यदि मान लीजिए इस तरह का कभी ऑफसेट निकला रहता है तो आपको क्या करना है, एक अलग करना है, दो को अलग करना है, और दोनों को एकदम साधारण ज्यामिति के अनुसार कैलकुलेशन लेनी है। कैसे होगी, दोनों का एरिया हम जोड़ देंगे, टोटल एरिया आएगा पहला प्लस दूसरा। पहले का कितना है 190, 19×10, और दूसरे का क्या है 30×27, 810, यानी ये भी आ गया 1000 स्क्वायर फिट। अब ये 1000 स्क्वायर फिट 1800 से 2500 रुपए का रेट हमने मिनिमम कंसीडर किया है 1800, मींस 1000×1800 18 लाख रुपए, प्लस 10% आपको एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्यों रखना है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब कहेंगे इसमें क्या है, तो इसमें ऑलरेडी आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, डोर, प्लम्बिंग, सैनिटरी, फिनिशिंग, आर्किटेक्चरल फीस, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, मतलब कुछ आपको बाहर नहीं लगाने, इतना आप पैसा लगा रहे हैं तो घर आपका बढ़िया बनेगा। अब बात आती है इस टाइप का, मीन्स रेक्टेंगल शेप का एरिया हो तो 50x20 सेम इसका 1000 स्क्वायर फिट आएगा, 1800 से 2500 का आप रेट पकड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 18 लाख रुपए आएगा, फिर 10% आपको एक्स्ट्रा पकड़ के चलना है। अब कहेंगे कि ये तीन रेट थे, अब तीन में क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि तीन रेंज यदि आप ले लें, एक आप नॉर्मल क्वालिटी का बनाना चाहते हैं जिसमें मटेरियल उसी हिसाब से होंगे, दूसरा गुड क्वालिटी हो गया, तीसरा हो गया बेस्ट क्वालिटी, तब ये रेट आपके वेरीज होंगे। जैसे 1300 से 2500 हमने बोला था, यदि आप नॉर्मल में जाना चाह रहे हैं तो लगभग आपका 1300 से 1600 रुपए स्क्वायर फिट आएगा, और यदि आप गुड में जा रहे हैं तो 1600 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फिट आएगा, और यदि आप बेस्ट क्वालिटी में लेके जा रहे हैं तो लगभग आपका 2000 से 2500 रुपए पर स्क्वायर फिट के रेंज में आपका सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग होगी, यदि आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़िया बनाते हैं तो। और डबल का यदि आप करेंगे तो यही 500-500 रुपये ऊपर वाले इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये बिल्कुल खर्चे सारा कुछ इंक्लूडेड है, और क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चाहे आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, चाहे आप डबल स्टोरी बना रहे हो, ये खर्चे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, 6 टाइप के बता दिए हैं, और कहीं भी आप जाएंगे तो लगभग इतनी ही कॉस्ट आने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।